ट यू डू विथ वट यू हैव वट यू डू विद जो है उसके साथ खुश रहना सीख लो लिव विथ तो हमने सुना है कि एक बार राजस्थान से पत्थर के दो चीज लाद कर आ रहे थे मार्बल के मकराना से कुछ भगवान की मूर्ति थी और कुछ टाइल्स थे तो दोनों जब लॉरी में आ रहे थे सिपमेंट में सपोज दुबई आ रहे थे तो दोनों टकरा रहे थे टकराते थे टक टक के साउंड आती थी तो उस मार्बल टाइल्स ने पूछा उस मूर्ति से ए मूर्ति तुम भी मार्बल मैं भी मार्बल तुम भी मार्बल मैं भी मार्बल तुम भी राजस्थान मकराना के मैं भी राजस्थान मकराना के तुम भी व्हाइट कलर मैं भी व्हाइट कलर तुम जिस माइंड से निकले हो उसी माइंड से मैं भी निकला हूं तुमको जिसने काटा बनाया उसको उसने मुझे भी काटा और बनाया तुमको जिसने सेल्स किया उसने मुझे भी सेल किया तुम जहां रखे गए वहीं मैं भी रखा गया तुम जिस लॉरी से जा रहे हो उसी लॉरी उसी उसी शिपमेंट से मैं भी जा रहा हूं तुम तुम जिस टेंपल में लगोगे उसी टेंपल में मैं भी लगूंगा तुमको जिसने खरीदा उसने मुझे भी खरीदा होगा कोई अशोक गोयल जैसा आदमी खरीद लिया होगा सुधीर जैसा कि मंदिर के लिए कि तुमको तो देखो माइन से कलर एक देश एक से, सेलर एक बायर एक सेम टेम्पल में लगेंगे एवरीथिंग इज सेम एक टेम्पल में लेकिन ये अंतर क्यों तेरी पूजा होगी और मैं पांव तले कुचला जाऊंगा वाई, वाई, तुम कहते हो कर्मों का फल क्या मैंने बुरा कर्म कर दिया थाउजेंड एंड थाउजेंड से तुम भी स्टोन में भी स्टोन सेम माइंस के स्टोन सेमाना के सेम कलर मैंने क्या बुरा कर्म कर दिया तुमने क्या अच्छा कर दिया ए भगवान के पास जस्टिस नहीं है न्याय नहीं है झूठ बात है इट इज रॉन्ग इट इज रॉन्ग अगर जस्टिस होता तो ऐसा काम नहीं होता हमारे साथ एकदम झूठ बात है एकदम गलत बात है तो इसलिए अगर होता तो मैंने कोई बुरा कर्म नहीं कर दिया है तुमने कोई अच्छा कर्म नहीं कर दिया फिर तेरी पूजा होगी और मे, मेरी क्यों नहीं तेरे पांव पर लोग सर लगाएंगे मेरे सर पे लोग पांव रखेंगे मैं पांव तले कुचला जाऊंगा क्यों तो उस मूर्ति ने कहा नहीं भाई जस्टिस है एक ही अंतर है भाई जब तेरे और मुरे दोनों के बुरे समय आए तुम भी तुम्हारे भी बुरे समय मेरे भी बुरे समय तुम भी कटे जाने लगे और मैं भी कटे जाने लगा तुम पर भी सिजलिंग और हैमरिंग शुरू हुआ और मुझ पर भी हुआ तो तुम बर्दाश्त न किए टूट गए इसलिए पतले पतले स्लाइस कर दिए गए तुम टूट गए यू आर नॉट एबल टू वेयर यू ब्रोक यू ब्रोक इसलिए तुमको स्लाइस कर दिया गया पतला पतला काट दिया गया लंबा काट दिया गया पतला पतला काट दिया गया मेरे ऊपर थाउजेंड एंड हैमरिंग और सिजलिंग हुआ हथौड़ी हाँ और छेनी चला कभी मेरा नाक बना कभी मुंह बना कभी आंख बना कभी कान बना कभी हाथ बना कभी पांव बना कभी सर बना कभी धड़ बना कभी पीठ बना कभी पेट बना बनता गया बनता गया मैं थाउजेंड एंड थाउजेंड छेनी और हथौड़ी का का होता गया और मैं चोट खा खा करके टूटा नहीं निखर निखर कर पूजनीय हो गया और तुम टूट करके पांव तले कुचलनीय हो गए मेरे बंधुओं जो टूट गया वो रोड का कंकर जो नहीं टूटा वो मंदिर का शंकर जो टूट गया वो कंकर जो नहीं टूटा वो शंकर ऐ अगर फोर बाई फोर का मार्बल टूट जाए तो टू बाई टू का काट के घर में लगा दोगे लेकिन अगर मूर्ति में एक भी अंग टूट जाए तो उसको खंडित मूर्ति लगाओगे यू आर नॉट गोइंग टू फिक्स ब्रोकन मूर्ति को स्टैचू को तुम नहीं लगाओगे तो जो जीवन के दुख में टूट गया वो रोड का कंकर बन जाएगा और जो नहीं टूटा उस दुख में वो मंदिर का शंकर बन जाएगा तो डू नॉट वरी प्ले इट प्ले टू लॉन्ग एनफ जीवन में जब तुम पेशेंस होते हो तो पेशेंट बन जाते हो लेकिन मैन कैनोट डू गॉड्स वर्क गॉड विल नॉट डू वर्क मैन कैनोट डू गॉड्स वर्क एंड गॉड विल नॉट डू मैं गॉड कैन बट गॉड विल नॉट डू मैं तो एक चीज जान लो अपना काम अपना जरूर कर लो और कुछ चीजें भाग्य में है एक्सेप्ट करो स्वीकार करो चलो कुछ चीज हमारे भाग्य में होती है हम गाड़ी चला रहे हैं सतर्क चला रहे हैं। कोई आके पीछे से मार दिया मेरी क्या गलती है मेरे भाग्य में था वो उसने मार दिया तो परमात्मा का पांचवा उत्तर है जो लास्ट स्तर है तो किसी किसी प्रेयर्स का परमात्मा इस तरह उत्तर देता है उसमें कहता है डो नॉट वरी माई चाइल्ड बी हैप्पी की माइ सेल्फ बिलीव इन मी आई हैव समथिंग बेटर फॉर यू आई हैव समथिंग मेरे प्रिय थोड़ा पेशेंस रख तुम जो मांग रहे हो उससे भी अच्छी चीज है मेरे पास थोड़ा सा पेशेंस रख ले मत घबरा